हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूले, क्योंकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस नहीं कर सके। IPL में आज KKR और RCB के बीच खेले जाने वाला मैच स्थगित। वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर पाए गए COVID-19 पॉजिटिव। IPL के 14वें सीजन में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाला मैच स्थगित हो गया है। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। यह मैच 3 मई को शाम 7:30 बजे से खेला जाना था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। KKR और RCB के बीच खेले जाने वाला मैच BCCI द्वारा रिशेड्यूल कर दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर्स की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद IPL सेफ्टी गाइडलाइंस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हम वरुण और संदीप को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। IPL की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, दोनों खिलाड़ियों को बाकी टीम से अलग आइसोलेट कर दिया गया है और मेडिकल टीम लगातार उनके संपर्क में और उनकी हेल्थ पर नज़र बनाए रखी है। उनको लेकर इंडियन प्रीमियर लीग की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी किया गया है। IPL का आयोजन बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में हो रहा है। अभी तक IPL के 29 मैच खेले जा चुके हैं और किसी भी मैच में आयोजन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई है। RCB 7 मैच खेल चुका है और 5 जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं KKR की बात करें तो 7 मैचों में उसके खाते में महज 2 जीत आई है और वह टीम पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।